नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट की रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेंस बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyis.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उस सर्वे में ये पाया गया है कि इन 5 जिलों में जहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया गया था, ग्राउंड वाटर जो है वो क्रोमियम से कंटामिनेटेड है। और क्रोमियम का जो कंटामिनेशन है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो लिमिट्स तय किए गए हैं उससे भी ज़्यादा है। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा बताया गया है कि अगर पानी में क्रोमियम का कंटामिनेशन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो मतलब वो पानी पीने योग्य नहीं है, पोल्यूटेड है, वो पानी बहुत ज़्यादा और उसे अवॉइड करना चाहिए। क्रोमियम के बारे में हम बात करें तो नेचुरली ऑक्यूरिंग हैवी मेटल है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और भारी मेटल है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका यूज़ किया जाता है और काफ़ी तरह के हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं क्रोमियम को कंज्यूम करने से ह्यूमन बींग्स में। ये हवा में मिलता है, वाटर में मिलता है, सोइल में मिलता है और इवन फूड में मिलता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर कर सकता है क्रोमियम हैवी मेटल इनहेलेशन के माध्यम से, यानी सांस लेते वक्त, या फिर फूड चेन के माध्यम से, या फिर डायरेक्ट टच से भी क्रोमियम जो मेटल है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर कर सकता है। क्रोमियम देखो दो फॉर्म्स में मिलता है, पहली फॉर्म ट्राईवेलेंट क्रोमियम और दूसरी फॉर्म हेक्सावेलेंट क्रोमियम। जो पहली फॉर्म है क्रोमियम ट्राईवेलेंट, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है क्रोमियम की, और ये फॉर्म मिलती है क्रोमियम की एनिमल्स में, प्लांट्स में, रॉक्स में और इवन सॉइल्स में, और ये नॉन टॉक्सिक है, इससे खतरा नहीं है। लेकिन क्रोमियम की जो दूसरी फॉर्म है हेक्सावेलेंट क्रोमियम, क्रोमियम की ये फॉर्म नेचुरली बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्रोमियम की ये फॉर्म प्रोड्यूस होती है मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी इंसानी गतिविधियों की वजह से क्रोमियम की ये फॉर्म मिलती है। और क्रोमियम की इसी फॉर्म की वजह से काफ़ी गंभीर तरह के डिजीज़ हो सकते हैं, न्यूरॉन संबंधित, जीन संबंधित और इवन कैंसर भी हो सकता है क्रोमियम की इस फॉर्म की वजह से। क्रोमियम को वैसे यूज़ किया जाता है एलॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट अवरोधक के लिए, फर्नीचर की लकड़ी को बचाने के लिए, एंटी कोरोसिव मतलब जंग लगने से बचाने के लिए कुकिंग सिस्टम और बॉयलर में। और कौन सी इंडस्ट्रीज से क्रोमियम सबसे ज़्यादा निकलता है? लेदर टैनिंग ऑपरेशंस, मतलब चमड़े को पकाने का जो ऑपरेशंस है वहाँ से क्रोमियम निकलता है। मेटल प्रोसेसिंग, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग और उसके बाद क्रोमेट प्रोडक्शन, तो ये एग्जाम्पल्स हैं कौन सी इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं क्रोमियम के संदर्भ में। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्रोमियम के बारे में। देखो यूपीएससी काफ़ी तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री से क्रोमियम मिलता है और कौन कौन से चीज़ों के लिए क्रोमियम यूज़ किया जाता है। पहले भी यूपीएससी ने इन्वायरमेंट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे CO2 के बारे में पूछे हैं, NO2 के बारे में पूछे हैं। हालांकि वो गैसेज हैं लेकिन इस प्रकार के हैवी मेटल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हर एक साल 29 जुलाई का जो दिन है वो ग्लोबल टाइगर डे या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद होता है अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों के बीच कि क्यों जरूरी है टाइगर को प्रोटेक्ट करना और टाइगर का जो हैबिटेट है उसे प्रिजर्व करना, उसे प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान 2010 में ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से ही हर एक साल 29 जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश में देखो टाइगर की जो संख्या है वो बढ़ गई है, बीच में तो काफ़ी कम हो गई थी लेकिन लास्ट टाइगर सेंसस जो कंडक्ट किया गया था वो 2014 में कंडक्ट किया गया था, और इस सेंसस के अनुसार हमारे देश में टाइगर्स की संख्या है 2226, यानी 2226। एम स्ट्राइप्स एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी NTCA के द्वारा, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, पूरा नाम है एम स्ट्राइप्स का, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए है एप्लीकेशन, ताकि टाइगर्स को मॉनिटर किया जा सके।
एम स्ट्राइप्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2017 में, यानी 2017 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि बाहर से जो सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए जाएंगे उन पे 25% सेफ गार्ड ड्यूटी को इंक्रीज किया जाएगा और 2 सालों के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। तो मेनली देखो, इंडिया में जो सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए जाते हैं वो चाइना से किए जाते हैं। हमारे देश में जो टोटल सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर 85% जगह तो चाइना से इंपोर्ट किए गए सोलर पैनल्स और सोलर मॉड्यूल्स ही यूज़ किए गए हैं। सेफगार्ड ड्यूटी देखो जब लगाई जाती है तो ये मैटर नहीं करता किस देश से प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जा रहा है। जहाँ से भी इंपोर्ट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट पे सेफगार्ड ड्यूटी लगे ही लगेगी। फॉर एग्जांपल, वैसे तो ज़्यादातर हम जो ये सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से करते हैं, लेकिन इवन अगर हम जापान से भी कर रहे हैं तो भी सेफगार्ड ड्यूटी इंक्रीज होगी। इवन अगर हम यूएसए से कर रहे हैं तो भी सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स पे सेफगार्ड ड्यूटी इंक्रीज होगी। ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी जब इंक्रीज की जाती है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है। जैसे चाइना से अगर स्टील को इंपोर्ट किया जा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि चाइना इंडिया की डोमेस्टिक स्टील मार्केट को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही सस्ता स्टील इंडिया में भेज रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की डोमेस्टिक मार्केट में स्टील की कीमत है 100 रुपये और चाइना जो स्टील भेज रहा है इंडिया में वो भेज रहा है सिर्फ 50 रुपये में। इसका मतलब तो साफ तौर पे यही है ना कि चाइना इंडिया की डोमेस्टिक स्टील मार्केट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में अपनी डोमेस्टिक स्टील मार्केट को बचाने के लिए इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है कि चाइना से जो स्टील इंपोर्ट किया जा रहा है उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी 50%, 100%, 25%, कितनी भी। तो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है, जबकि सेफ गार्ड ड्यूटी जो लगाई जाती है वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं होती, वो सभी कंट्रीज पे एप्लीकेबल होती है, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है। और सेफ गार्ड ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब देखो किसी चीज़ का जो इंपोर्ट है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए किसी भी देश की सरकार के द्वारा सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो जैसा आर्टिकल की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, अभी हमारे सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में 85% जो सोलर मॉड्यूल्स या फिर सोलर सेल्स यूज़ किए गए हैं वो चाइना के बने हैं। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से जो सेफ गार्ड ड्यूटी है वो इंक्रीज़ की गई है 25% सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स के इंपोर्ट पर। इस बायोफ्यूल पॉलिसी के सभी प्रोविजंस को हमने डिटेल से डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले, रिपीट नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जाम्पल सेल गैस, कोल बेड मिथेन, इनको एक्सप्लोर करने के लिए नई जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है उसे अब अप्रूवल दे दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। नई पॉलिसी का नाम है हेल्प, यानी हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। और पहले जो पॉलिसी थी उसका नाम था नेल्प, यानी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसे अडॉप्ट किया गया था 1997 में। दिक्कत यह थी पुरानी पॉलिसी में कि मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप इस जगह पे, इस पर्टिकुलर रीजन में एक्सप्लोर कर लीजिए पेट्रोलियम। तो अब देखो उस प्राइवेट कंपनी को सेल गैस के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था, कोल बेड मिथेन के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता था कि एक रीजन में पेट्रोलियम एक कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, सेल गैस दूसरी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है और कोल बेड मिथेन तीसरी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, तो आपस में टकराव होता था, काम ठीक से नहीं हो पाता था। इसी वजह से नई पॉलिसी आई जिसका नाम है हेल्प, हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग है, मतलब अगर एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मान लीजिए इस रीजन में ABC कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो कंपनी इस रीजन में सेल गैस को भी एक्सप्लोर कर सकेगी, पेट्रोलियम को भी एक्सप्लोर कर सकेगी, कोल बेड मिथेन को भी एक्सप्लोर कर सकेगी, यानी हर एक हाइड्रोकार्बन के लिए अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सॉरी। तो अब यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है उसके अनुसार जो ऑलरेडी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें भी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो अब हम कोल बेड मिथेन और सेल गैस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले
कोलबेट मिथेन के बारे में जानते हैं, उसके बाद आसानी से सेल गैस आपको समझ में आ जाएगा। कोलबेट मिथेन एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कि कोल डिपॉजिट्स में पाई जाती हैं। हम बात करें नेचुरल गैस की, ये प्राइमरली मिथेन यानी CH4 ही होती है, लेकिन काफ़ी बार दूसरे हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी मिली होती है, जैसे इथेन, बुटेन, प्रोपेन। आमतौर पर जो ड्राई नेचुरल गैस है उसमें मुख्यतः मिथेन होती है, और जो वेट नेचुरल गैस है उस नेचुरल गैस में मिथेन के अलावा दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी जो क्वांटिटी है वो मिली होती है। नेचुरल गैस की फॉर्मेशन लाखों साल पहले हुई थी। उस समय जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई तो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मिट्टी जमा होना स्टार्ट हुई, और जमा होते होते ये मिट्टी सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले गई। तो देखो, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठा हो गई, तो इस वजह से वहां पर प्रेशर और हीट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में नेचुरल गैस का डेवलपमेंट होता है। तो ये नेचुरल गैस बनने की फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं डिफरेंस की, अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस क्या है और कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस क्या है। देखो, कन्वेंशनल रूप से नेचुरल गैस को नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे ऑयल वेल्स होते हैं, सीधी एक ड्रिलिंग की जाती है और नेचुरल गैस अपने आप ऊपर आ जाती है। तो ये कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है। लेकिन सेल गैस या फिर कोल बेड मिथेन, ये अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस हैं, क्योंकि इनको नीचे से एक्सट्रैक्ट करने के लिए एडवांस प्रोडक्शन मेथड्स का यूज करना पड़ता है। सीधा सा नीचे ड्रिलिंग करके ये ऊपर नहीं आएंगी, इनको नीचे से ऊपर निकालने के लिए थोड़े एडवांस मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे नीचे से कोल बेड मिथेन को निकाल सकते हैं। कोल बेड मिथेन क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स में से एक है, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है, और स्वीट गैस है कोल बेड मिथेन। देखो, स्वीट गैस वो गैसेस होती हैं जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की क्वांटिटी बहुत कम होती है, और वो गैसेस जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उनको सोर गैस कहते हैं। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है, याद रखिएगा, कोल बेड मिथेन एक स्वीट गैस है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो क्वांटिटी है बहुत कम है, इसलिए कोल बेड मिथेन एक स्वीट गैस है। अब बात करते हैं मेथड की, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कोल बेड मिथेन को। देखो, नीचे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से जो कोल बेड मिथेन गैस है ऊपर नहीं आ पाती। तो अगर कोल बेड मिथेन को नीचे से ऊपर एक्सट्रैक्ट करना है तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो एक तरीका यह है कि पानी को पंप आउट किया जाए, यानी नीचे से पानी बाहर निकाला जाए ताकि नीचे प्रेशर कम हो और कोयले से कोल बेड मिथेन बाहर आ जाए। तो इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन हो सकती है कोल बेड मिथेन की। कोल बेड मिथेन के बाद हम बात करते हैं सेल गैस की। सेल गैस भी एक नेचुरल गैस है, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ मिथेन है, और कोल बेड गैस की तरह सेल गैस भी रॉक फॉर्मेशंस में ट्रैप हो जाती है और वहीं से प्राप्त की जाती है। सेल गैस कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, और हवा से भी हल्की होती है, मतलब कोई सुगंध नहीं होती, कोई रंग नहीं होता सेल गैस का। सेल गैस काफ़ी सस्ती भी है और 50% कम CO2 एमिट करती है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा सोर्स है सेल गैस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा सेल गैस फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, प्लास्टिक मिलते हैं, और दूसरे यूजफुल स्टफ भी मिलते हैं। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन्स लाइसेंसिंग एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में, सेल गैस के बारे में, और कोल बेड मिथेन के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल स्टार टोर्टोइजेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। इस एजेंसी के द्वारा 3 ट्रेन पैसेंजर से 1125 स्टार टोर्टोइजेस को पकड़ा गया, जब्त किया गया। ये 3 ट्रेन पैसेंजर्स इन स्टार टोर्टोइजेस को बांग्लादेश में स्मगल करने वाले थे। हम बात करें स्टार टोर्टोइजेस के बारे में, यानी कछुओं के बारे में, इंटरनेशनल पेट मार्केट में मोस्ट एक्सपेंसिव रेप्टाइल है स्टार टोर्टोइज मतलब स्टार कछुआ। देखो, एशिया के बहुत सारे देश जैसे मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, और इवन यूरोप और अमेरिका के कई देश, यहाँ पर कुछ लोग स्टार कछुआ को पालतू बनाना चाहते हैं, मतलब डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं। इस वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है स्टार कछुआ। हम बात करें इंडियन स्टार टोर्टोइज की, नेटिव है मतलब नेचुरली मिलता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, इवन पाकिस्तान और श्रीलंका में भी। लैंडस्केप की बात करें तो स्क्रब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, कुछ कोस्टल एरियाज और सेमी एरिड रीजन्स में मिलता है इंडियन स्टार टोर्टोइज। साइट्स जो कि कन्वेंशन है
इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए उस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 2 में नाम दर्ज है इंडियन स्टार टर्टल्स का और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है इंडियन स्टार टर्टल्स, IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और फॉरन ट्रेड पॉलिसी में साफ तौर पर मना किया गया है कि इंडियन स्टार टर्टल्स को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से स्मगलिंग हो रही थी जिसे पकड़ा DRI ने, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हमारे देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 30वां सेशन ऑर्गेनाइज हुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल का और इसी काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया का जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में डाला जाएगा। इंडिया के 10 बायोस्फीयर ऑलरेडी इस लिस्ट में थे। अब कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के ऐड होने के बाद 11 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के शामिल हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में। सिर्फ 7 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको ऐड नहीं किया गया है इस लिस्ट में। सबसे पहले 2000 में तमिलनाडु का जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था उसे ऐड किया गया था यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में। थोड़ा सा हम डिस्कस करें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में, यानी MAB प्रोग्राम। ये प्रोग्राम देखो स्टार्ट हुआ था 1971 में यूनेस्को का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि एक साइंटिफिक बेसिस इस्टेब्लिश करना ताकि हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग के एनवायरनमेंट के बीच। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता है ये प्रोग्राम, जैसे सोशल एस्पेक्ट, नेचुरल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मकसद वही है, ह्यूमन बीइंग्स की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना एक तरफ और जो बेनिफिट्स होते हैं एनवायरनमेंट से उन बेनिफिट्स की इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए और सबसे लास्ट में इकोसिस्टम को मैनेज किया जाए, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्योर की जाए। अभी तक देखो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में ऑलमोस्ट 122 देशों से 600 बायोस्फीयर्स को डाल दिया गया है। इंडिया से 11 बायोस्फीयर्स को डाला गया है और 20 बायोस्फीयर्स तो ऐसे हैं जो ट्रांसनेशनल हैं, मतलब उन बायोस्फीयर्स का जो एरिया है वो एक से अधिक देशों में आता है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में, जिसको चलाया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 में। ये स्क्रीन पे आपके सामने लिस्ट है हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की। देखो थोड़ा थोड़ा करके आप इन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है देखते रहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है और लास्ट टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, डेली 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट अगर आप टाइम दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर साल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूपी की सरकार के द्वारा अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है। यूपी में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत जो लिस्टेड डिजास्टर्स हैं उन डिजास्टर्स में से एक होगा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। पहले देखो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत जो डिजास्टर्स हैं उनमें से एक नहीं माना जाता था, लेकिन अब यूपी की सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी डिजास्टर कहलाएगा यूपी सरकार के अनुसार। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखो पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 7 लोगों की डेथ हो चुकी है यूपी में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो जंगली जानवर हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन में घुस जाते हैं और ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में साफ तौर पे नहीं कहा गया है कि अगर एनिमल ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो ह्यूमन बींग्स को कितनी कंपनसेशन दी जाएगी। तो काफ़ी बार कंपनसेशन देने में काफ़ी डिले हो जाता है और एड हॉक कंपनसेशन दी जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं कंपनसेशन मिलने में। तो इस सिचुएशन में जंगली जानवरों के खिलाफ गांव वालों का जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गांव वाले जंगली जानवरों को मार भी देते हैं, लेकिन अब यूपी सरकार ने चूंकि अप्रूवल दिया है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी डिजास्टर्स की श्रेणी में आएगा, तो एक तो अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में,
जो कंपनसेशन है वो जल्दी सी दे जा सकेगी। इसके अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से इस्टाब्लिश होगा, सिनर्जी भी इस्टाब्लिश होगी। काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मैन एनिमल में कन्फ्लिक्ट अगर होता है, फॉरेस्ट एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सभी अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। लेकिन अब यूपी सरकार ने जो अप्रूवल दिया है, डिटेल गाइडलाइंस जारी की जाएगी यूपी सरकार के द्वारा कि अगर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है तो किस अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से इस्टाब्लिश किया जाएगा विभिन्न अथॉरिटीज़ के बीच। तो अगर यूपीएससी पूछती है कि कौन से राज्य ने अब मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत डिजास्टर की श्रेणी में माना है, तो आंसर होगा यूपी। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल पोर्चुगीज मैन ऑफ वार्स के बारे में है। ये देखो, जेली की तरह का एक मैरीन ऑर्गेनिज्म है। इसे रिसेंटली गोवा के एक पॉपुलर बीच पे देखा गया और इवन खबरें आज आ रही थी कि मुंबई के कई बीचेस पे भी इस जेली की तरह के मैरीन ऑर्गेनिज्म को देखा गया है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं इस मैरीन ऑर्गेनिज्म से। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। वैसे देखो, ज़्यादातर जेली फिश ह्यूमन बींग्स को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी हार्मलेस होती हैं। अगर नुकसान पहुंचाती भी हैं तो वो माइल्ड इरिटेशन तक लिमिटेड होता है। लेकिन ये जो जेली की तरह मैरीन ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार्स, ये ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाता है, जहरीला होता है ये मैरीन ऑर्गेनिज्म। और इस मैरीन ऑर्गेनिज्म को ब्लू बोटल और फ्लोटिंग टेरर के नाम से भी जाना जाता है। नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन बींग्स को, इसीलिए इसे फ्लोटिंग टेरर के नाम से जाना जाता है, ब्लू बोटल या फिर फ्लोटिंग टेरर। गोवा टूरिज्म बीच सेफ्टी एजेंसी के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई कि जो टूरिस्ट हैं वो कैसे बच के रहें इस जेली की तरह के मैरीन ऑर्गेनिज्म से। इवन मुंबई में भी ये देखा गया है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल परिवेश के बारे में है। परिवेश को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 10 अगस्त को, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पे। परिवेश का पूरा नाम है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, सरकार के द्वारा एक वेबसाइट बना दी गई है। इस वेबसाइट पर जाके अगर हमें कोई भी अप्रूवल लेना है, फॉरेस्ट से संबंधित, वाइल्ड लाइफ से संबंधित, कोस्टल रेगुलेशन जोन से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी हमें अप्रूवल लेना है, किसी फैक्ट्री वाले को लेना है, इंडिविजुअल को लेना है, कंपनी ओनर को लेना है, इंडस्ट्री वाले को लेना है, वो इस वेबसाइट पे जाके, इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकता है, प्रोजेक्ट सौंप सकता है, सरकार को बता सकता है कि हमें देखो इस चीज़ के लिए अप्रूवल लेना है। और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा भी लिया जा सकता है, उस सिस्टम की सहायता से एग्जैक्टली लोकेशन बताई जा सकती है कि हमें इस जगह के लिए अप्रूवल चाहिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अप्रूवल ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित किसी चीज के लिए लेना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, किसी भी लेवल पे, जो कुछ हमने डिस्कस किया, किसी भी लेवल पे इन्वायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए अप्रूवल देना है, इसी पोर्टल की सहायता से अप्रूवल लिया जा सकता है। और एक बार अगर अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी, देखा जा सकेगा कि फाइल आगे कहां तक पहुंची है, और अगर डिले होता है तो कंसर्निंग अथॉरिटीज के पास, कंसर्निंग ऑफिसर्स के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि देखो इस फाइल में डिले हो रहा है। तो नॉन कंप्लायंस अगर होगा तो तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की। तो आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए ई गवर्नेंस की सहायता से ये एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा। और ये पोर्टल डेवलप किसके लिए, किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, यानी NIC ने। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत परिवेश एक सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। गवर्नमेंट अपने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सपने को साकार करना चाहती है। अगला आर्टिकल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में है। हर साल 10 अगस्त का जो दिन है वो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन जागरूकता फैलाई जाती है कि बायोफ्यूल कितने इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव के तौर पे। फॉसिल फ्यूल्स तो देखो जैसे नेचुरल गैस, कोल इत्यादि होते हैं। बायोफ्यूल्स हमें, आप कह सकते हो कि लिविंग मैटर से प्राप्त होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीट से या फिर अमीबा से। हमने डिस्कस किया था डिटेल से कुछ दिनों पहले, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन से हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से हैं और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स वो हैं
जो क्रॉप से प्राप्त होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न से, वीट से, मक्के से, और सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स वो हैं जो फसलों के रेजिड्यूज से प्राप्त होते हैं या फिर फॉरेस्ट्री के रेजिड्यूज से प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से प्राप्त होते हैं, और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स वो हैं जो माइक्रोब से प्राप्त होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा। तो ये हमने बायोफ्यूल्स की तीन जनरेशंस की बात की। वैसे देखो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 10 अगस्त का ही दिन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन 1893 में सर रूडोल्फ डीजल, इन्होंने मैकेनिकल इंजन को चला के दिखाया था पीनट के ऑयल से। तो इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में हर साल 10 अगस्त का जो दिन है वो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सर रूडोल्फ डीजल का वो एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने मैकेनिकल इंजन चलाया था पीनट ऑयल की सहायता से, उस रिसर्च एक्सपेरिमेंट ने एक भविष्यवाणी ये की थी, आने वाली जो शताब्दी है उस शताब्दी में वेजिटेबल ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा मैकेनिकल इंजन को चलाने के लिए एज कंपेरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स। तो देखो उसी डायरेक्शन में अब पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। वैसे इंडिया ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए। रिसेंटली जून में सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स भी डिक्लेयर की थी। सरकार ने एक टारगेट रखा है 2030 से पहले 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग को इंश्योर किया जाएगा और 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग को इंश्योर किया जाएगा 2030 से पहले। सरकार के प्रयासों से यह सुनिश्चित हो पाया है कि मोलासेस बेस्ड जो इथेनॉल हैं उनके दाम मार्केट में काफ़ी बढ़ गए हैं, तो शुगर मिल्स भी इसलिए रुचि दिखा रही हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन पे। और सरकार ने मैकेनिज्म भी काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि ब्लेंडिंग के लिए और मार्केटिंग कंपनीज इथेनॉल को आसानी से प्रोक्योर कर सकें। और सबसे लास्ट में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पे जीएसटी रेट को भी सरकार के द्वारा कम कर दिया गया है। पहले ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल पे जीएसटी लगता था 18%, लेकिन अब लगता है 5%। तो ये हमने डिस्कस किए सरकार के एफर्ट्स जो कि सरकार ने लगाए हैं बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल डीएनए बारकोडिंग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रॉग्स का जेनेटिक डेटा इकट्ठा किया गया ताकि फ्रॉग्स के जेनेटिक डेटा को एनालाइज किया जा सके डीएनए बारकोडिंग की सहायता से। डीएनए बारकोडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो रिसर्चर्स ने डीएनए बारकोडिंग की सहायता से जो एनालाइज किया उससे उनको पता लगा ऑर्नेट नैरो माउथ फ्रॉग, ये जो मेंढक है जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, पहले विश्वास किया जाता था कि ये पूरे एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एशिया में ऑलमोस्ट सभी जगह पर मिलता है ये मेंढक ऑर्नेट नैरो माउथ फ्रॉग। लेकिन डीएनए बारकोडिंग की सहायता से जो एनालाइज किया गया उसके बाद पता लगा कि ये मेंढक सिर्फ मिलता है पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका में। स्टडी से यह भी पता लगा कि ये मेंढक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसका फायदा देखो ये होगा, आयुसीएन आसानी से अब इस मेंढक यानी ऑर्नेट नैरो माउथ फ्रॉग के कंजर्वेशन स्टेटस को रिव्यू कर सकेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले मान लीजिए ये जो विश्वास किया जाता था ये मेंढक तो पूरे एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब इसे इनडेंजर्ड कैटेगरी में डालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभी नोट कंसर्न कैटेगरी में डाल दिया जाए। लेकिन अब चूंकि ये पता लग चुका है कि ये मेंढक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिर्फ कुछ ही जगह पर पाया जाता है, तो हो सकता है कि IUCN जो है वो कंजर्वेशन स्टेटस चेंज कर दे इस मेंढक का और इसे वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दे या फिर किसी दूसरी कैटेगरी में डाल दे नई इन्फॉर्मेशन के आधार पर। अब बात करते हैं डीएनए बारकोडिंग की। ये देखो ऑलमोस्ट ठीक वैसा ही है जैसा रिसेंट में हमने एक बिल डिस्कस किया था कि हमारे देश में एक डीएनए डेटाबेस इस्टेब्लिश होगा नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल्स पे भी, ताकि किसी क्रिमिनल की पहचान करनी है या फिर मिसिंग पर्सन की पहचान करनी है, डिजास्टर से कुछ लोग पीड़ित हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उस डीएनए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सके। उसी कंसेप्ट पर आधारित है ये डीएनए बारकोडिंग, यानी एनिमल्स के लिए ये टेक्निक ऑलरेडी इस्तेमाल की जा रही है। कोई मान लीजिए अननोन ऑर्गेनिज्म है, ये शुरुआत में पिक्चर देखिए, ये अननोन ऑर्गेनिज्म है, इसकी पहचान करनी है हमें कि कौन सी स्पीसीज से ये अननोन ऑर्गेनिज्म संबंध रखता है, तो हम कुछ डीएनए लेंगे इस अननोन ऑर्गेनिज्म से और उस डीएनए की सीक्वेंसिंग होगी। डीएनए की सीक्वेंसिंग होने के बाद बारकोड का जो डेटाबेस है वहां से डीएनए की सीक्वेंसिंग को मैच किया जाएगा। मैच होने के बाद पता लग जाएगा कि जिस अननोन ऑर्गेनिज्म से डीएनए लिया गया है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो किस स्पीसीज से संबंध रखता है।
तो किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फर्स्ट जेनेटिक बैंक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडेंजर्ड और प्रोटेक्टेड एनिमल्स को कंजर्व करने की दिशा में सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश का पहला साइंटिफिक एंड मोस्ट मॉडर्न नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर, यह इंपॉर्टेंट है। देखो, हैदराबाद में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये पूरा नाम है और यहाँ पे शॉर्ट नाम भी लिखा हुआ है। इस लेबोरेटरी में जो कि हैदराबाद में है, वहां पर ये जेनेटिक रिसोर्स बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। ये लेबोरेटरी CCMB मतलब सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की एक रिसर्च विंग है। हम बात करें फर्स्ट जेनेटिक बैंक की, इस बैंक में देखो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स भी मौजूद रहेंगे ताकि जेनेटिक रिसोर्सेज की सहायता से वो एनिमल की स्पीसीज जो अब लुप्त हो चुकी हैं यानी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनको फिर से रिवाइव किया जा सके। तो इस फर्स्ट जेनेटिक बैंक में ऑलमोस्ट 250 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के जेनेटिक रिसोर्सेज मौजूद होंगे। जेनेटिक रिसोर्स बैंक में इंडियन स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखा जाएगा और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में ये फर्स्ट जेनेटिक रिसोर्स बैंक काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो अगर यूपीएससी पूछती है कि देश का पहला जेनेटिक रिसोर्स बैंक कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फर्स्ट इंडियाज पेंगुइन के बारे में है। देखो, मुंबई का बायकला जू है यानी चिड़ियाघर है मुंबई के बायकला में, वहां पे इंडिया की पहली पेंगुइन ने जन्म लिया 15 अगस्त को, यानी जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था उसी दिन इंडिया की पहली पेंगुइन ने जन्म लिया मुंबई के बायकला चिड़ियाघर में। हम 8 हम्बोल्ट पेंगुइन्स लेके आए थे साउथ कोरिया से 2016 में ताकि उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जा सके, यानी रेगुलेटेड कंडीशंस में इन 8 पेंगुइन्स की जो हम लेके आए थे साउथ कोरिया से 2016 में इनकी ब्रीडिंग हो सके। ये जो पेंगुइन है वो हम्बोल्ट पेंगुइन है और नाम देखो हम्बोल्ट कहाँ से आता है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन करंट के बारे में आपने सुना होगा, कोल्ड करंट है जो कि पेरू और चिली के कोस्ट के साथ बहता है। इसी कोल्ड करंट के नाम पे पेंगुइन का नाम है हम्बोल्ट पेंगुइन। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में आती है ये पेंगुइन। तो बस ये अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि इंडिया की पहली पेंगुइन ने कहां पे जन्म लिया, मुंबई के बायकला चिड़ियाघर में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हिल्सा के बारे में है। हिल्सा फिश की एक वैरायटी है और इस मछली की वैरायटी के बारे में द हिंदू में काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया है। हम बात करें हिल्सा के बारे में, ये देखो मछलियों की मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटीज़ में से एक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बेसिकली नेचुरली ये रहती है म्यांमार के कोस्टल वाटर्स में, लेकिन वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के किनारे पर और बांग्लादेश में पद्मा और मेघना नदी के किनारे पर आती है ये मछली हिल्सा अंडे देने के लिए, खास करके मानसून सीजन के दौरान। काफ़ी सेंसिटिव स्पीसीज हैं और मोस्टली देखो जहाँ पर नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं, मतलब नदी जहाँ पर समुद्र से मिलती है वहाँ पे ज़्यादा मिलती है हिल्सा मछली। स्पेशली आती है फ्रेश वाटर में यानी साफ पानी में ब्रीडिंग के लिए और उसके बाद वापस लौट जाती है अपने ठिकाने की ओर। एक इम्पोर्टेंट बात, हिल्सा मछली को किंग ऑफ फिश के नाम से भी जाना जाता है अपनी सॉफ्ट ऑयली टेक्सचर की वजह से और फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है इस मछली का। वैसे ये मछली संबंध रखती है फैमिली ऑफ क्लैपियाडाइस से। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हिल्सा मछली के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा एक प्रोसेस इनिशिएट की गई है ताकि तमिलनाडु के अंदर जो इम्पोर्टेंट इकोलॉजी साइट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और आइडेंटिफाई करके उन्हें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? तमिलनाडु के अंदर देखो अभी बहुत सारी ऐसी इकोलॉजी साइट्स हैं जहाँ पर इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, यानी वहाँ पर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। एक बार तमिलनाडु स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड उन फ्रेजाइल इकोलॉजी साइट्स को पहचान के उनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का दर्जा देता है तो उन फ्रेजाइल इकोलॉजी साइट्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। इवन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट भी किया जा सकेगा और रिस्टोर भी किया जा सकेगा
जिन साइट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया जाता है, और ज़्यादा बेसिक्स की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है क्या, डेफिनेशन यहाँ पर है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर दोज एरियाज विच आर यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम। यूनिक एरियाज होते हैं और वहाँ पर इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। प्रोसीजर क्या है किसी भी साइट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का? देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी से कंसल्ट करने के बाद किसी भी साइट को जहां पर इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है, और डिक्लेयर करने के बाद ऑफिशियल गजट में नोटिफाई भी करना होगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद रूल्स भी अनाउंस कर सकती हैं, रूल्स फ्रेम कर सकती हैं कि जिन साइट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है उसको कैसे मैनेज किया जाए और कैसे कंजर्व किया जाए। नीचे दिया हुआ है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी गाइडलाइंस जारी करता है कैसे बायोडाइवर्सिटी साइट्स को विभिन्न स्टेट्स के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी गाइडेंस प्रोवाइड करता है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप कैसे कौन सी साइट को चूज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए और कैसे उस साइट को आप मैनेज कर सकते हैं। तेलंगाना में जो अमीनपुर लेक है वो पहली वाटर बॉडी थी जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग दिया गया। और वैसे देखो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो किसी टेरिस्ट्रियल कोस्टल और इनलैंड वाटर बॉडी मरीन इकोसिस्टम जहां पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा रिच हो उसको दिया जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एक रिपोर्ट के बारे में है जिसका नाम है द अर्बन कमूट एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू पोल्यूशन एंड एनर्जी। इस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, यानी CSE के द्वारा। है किस बारे में ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट देखो हमारे देश की 14 सिटीज़ को एनालाइज करती है, कौन सी सिटी ने अच्छा काम किया है, अर्बन कमूटिंग से होने वाले पोल्यूशन और एनर्जी कंजम्पशन को कम करने की दिशा में। अर्बन कमूटिंग मतलब ये कोई सिटी है और इस कोने में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और सिटी के दूसरे कोनेज में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, तो यहाँ से लोग इस दिशा में जाते हैं सुबह काम करने के लिए और वापस आते हैं अपने घर की तरफ शाम को। तो डेली जो लोग आते जाते हैं कैसे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, कम से कम पोल्यूशन हो जिन सोर्सेज का वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेट्रो का इस्तेमाल किया जाएगा तो पोल्यूशन कम से कम होगा, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है और 14 सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है। सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है भोपाल को, उसके बाद विजयवाड़ा, चंडीगढ़, लखनऊ, कोची, जयपुर। बड़ी सिटीज़ में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है कोलकाता को। इस सिटीज़ में देखो रैंकिंग देने के लिए दो अप्रोचेज अपनाई गई। पहली अप्रोच, विभिन्न सिटीज़ में टॉक्सिक एमिशन और एनर्जी कंजम्पशन जितना भी होता है उसे ऐड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोलकाता को आप पकड़ लीजिए, कोलकाता में पहले आप आंकड़ा निकालिए कमूटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से टॉक्सिक एमिशंस कितना होता है, मतलब पर्टिकुलर मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये कितने एमिट होती हैं, सबको ऐड कर दिया जाए, और टोटल जो एनर्जी कंजम्पशन होता है कमूटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से उसे भी ऐड कर दिया जाए तो आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी सिटीज़ के लिए ये आंकड़ा निकालिए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी सिटी ने अच्छा काम किया है एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए और टॉक्सिक एमिशंस को कम करने के लिए कमूटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से। ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच, आप पर पर्सन ट्रिप एमिशंस और पर पर्सन एनर्जी कंजम्पशन को निकालिए। यानी पहली अप्रोच में हम ओवरऑल आंकड़ा को कंसिडर कर रहे हैं और दूसरी अप्रोच में हम इंडिविजुअल आंकड़े को कंसिडर कर रहे हैं। यानी एवरेज के तौर पे एक पर्सन की ट्रिप की वजह से कितना एमिशन होता है, एक पर्सन की ट्रिप की वजह से कितना एनर्जी का कंजम्पशन होता है। चलते हैं आगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, स्पाइस जेट जो कि एयरलाइंस हैं, स्पाइस जेट ने हमारे देश में बायोफ्यूल की सहायता से फ्लाइट उड़ाई देहरादून से दिल्ली में। अभी तक सिर्फ USA और ऑस्ट्रेलिया दो देश ऐसे हैं जहां पर बायोफ्यूल की सहायता से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, तो इंडिया तीसरा देश बन गया है जहां पर किसी एयरलाइन ने बायोफ्यूल की सहायता से एयरक्राफ्ट को उड़ाया हो। अगर देखो बायोफ्यूल की सहायता से एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाता है तो काफ़ी सारे फायदे होते हैं। ये एक सस्ता सोर्स भी है एयरक्राफ्ट को उड़ाने का, इसके अलावा पोल्यूशन भी कम होता है। अभी ATF
यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि काफ़ी महंगा होता है और पोल्यूशन भी काफ़ी होता है ATF से, अगर बायोफ्यूल और ज़्यादा चलन में आता है तो ATF पे जो डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और किराया जो है एयरलाइंस का वो भी सस्ता होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। अगला आर्टिकल केरल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विचार कर रही है कि एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाए जिसकी सहायता से ये स्टडी किया जाएगा कि केरल पे क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव हुआ है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से केरल की जो इकोलॉजी है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। इस प्रोजेक्ट पे लागत आएगी 79 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा CSIR के अंदर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत। ये क्या है? ये देखो एक नोडल इंस्टीट्यूट है। 12th फाइव ईयर प्लान के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे देश में देखो आइलैंड्स हों या फिर कोस्टल इकोसिस्टम हों, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाए, इसके लिए उपाय सुझाए जाते हैं इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए केरल में कोस्टल एरिया के पास जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगी आगे जाके, क्योंकि समुद्र में पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो कोस्टल एरिया के आसपास का जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो डिसलोकेट होगी, उनको दूसरी जगह पे जाके बसना पड़ेगा। तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज एडोप्टेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मेनली देखो अभी जो प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, इसके अंतर्गत CSIR, NIS, CAIR केरल में डिसीजन सपोर्ट टूल्स और एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्लाइमेट चेंज की वजह से केरल में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं, लोगों का जो लाइवलीहुड है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, एग्रीकल्चर संबंधित एक्टिविटीज़ किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फिशरीज, टूरिज्म, इन सब पे क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इन दिनों इवन मानसून संबंधित एक्टिविटीज़, मानसून में किस प्रकार की वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं पिछले कुछ सालों में और इसका केरल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट में 25 वर्क पैकेजेस होंगे और सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कोरबा टाइगर रिजर्व के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे टाइगर्स की डेथ हो गई है कोरबा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, तो ये एक काफ़ी अलार्मिंग ट्रेंड है, चिंता की बात है। इस वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि कुछ समय के लिए आप इस कोरबा टाइगर रिजर्व का जो संचालन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने हाथों में ले लीजिए ताकि टाइगर्स की डेथ, चाहे वो पोचिंग की वजह से हो या फिर किसी दूसरे कारणों की वजह से हो, टाइगर्स की डेथ्स को अवॉइड किया जा सके। हम पहले कोरबेट टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं जो कि एक नेशनल पार्क भी है। लोकेशन आप देख लीजिए, उत्तराखंड में है कोरबेट टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क, यहाँ पर देखो। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और ऊपर है गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ पे कोरबेट नेशनल पार्क जो हमने डिस्कस किया, राजा जी यहाँ पर है, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क यहाँ पर है। नाम याद रखिएगा आप उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। अब हम जानते हैं कोरबेट टाइगर रिजर्व के बारे में। ये देखो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। इसे इस्टाब्लिश किया गया था 1936 में एज ए हेली नेशनल पार्क। ये इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रतिष्ठित नेशनल पार्क है। इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। पूरा एरिया है इस नेशनल पार्क का 521 स्क्वायर किलोमीटर। और कोरबेट टाइगर रिजर्व या फिर कोरबेट नेशनल पार्क के साथ सुनंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और देखो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था। इसके अलावा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा कोरबेट टाइगर रिजर्व को एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है। 1954-55 में कोरबेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था, लेकिन अगले ही साल फिर से नाम चेंज कर दिया गया और अभी भी जो नाम है वो है कोरबेट नेशनल पार्क। जिम कोरबेट ने अहम भूमिका निभाई थी इस नेशनल पार्क को इस्टाब्लिश करने में, इसी वजह से नेशनल पार्क का जो नाम है वो जिम कोरबेट के नाम पे है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो मैं आपसे कल पूछने वाला था लेकिन अभी ही पूछ लेता हूं, कौन सी रिवर गुजरती है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से? ऑप्शन आपको दे देता हूं, गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रामगंगा। यह क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2015 में। देखो इसका आंसर है रामगंगा। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा 1954-55 में कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम चेंज किया गया था वो रामगंगा के नाम से चेंज किया गया था। थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी सोल्व हो जाते हैं। मान लीजिए यूपीएससी ने पूछा कौन सी रिवर होके गुजरती है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, आपने सीधा सीधा ये फैक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने ये जरूर पढ़ा है कि इस नेशनल पार्क का जो नाम है एक बार चेंज किया गया था रामगंगा पे। थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि राइट जो ऑप्शन होगा वो रामगंगा ही होगा। अब हम जानते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखो एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था 2006 में और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी है? एनटीसीए का हेड कौन होते हैं? इसका आंसर होगा एनवायरमेंट मिनिस्टर। वैसे देखो वो बॉडीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेड प्रधानमंत्री होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 18 बॉडीज हैं, इन सब के जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो को पोस्ट करके इस पूरी लिस्ट पर एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा। हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यूएनईपी के बारे में है, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या फैंटास्ट है, सत्या एस त्रिपाठी ये एक इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और वकील हैं। इनको यूनाइटेड नेशंस का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी के न्यूयॉर्क ऑफिस को हेड करेंगे। यूएनईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएनईपी को देखो इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी स्टॉकहोम में, इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पर यूएनईपी को इस्टेब्लिश किया गया था। जैसा नाम से ही जाहिर होता है ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इवन ये भी याद रखिएगा यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का एक मेंबर है। काम क्या है इसका, देखो यूनाइटेड नेशंस की जो एनवायरनमेंट संबंधित एक्टिविटीज़ हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना काम है यूएनईपी का। इसके अलावा यूएनईपी मदद करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें और अच्छी एनवायरनमेंट संबंधित प्रैक्टिसेस को अपना सकें ताकि एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया में। कुछ और इंपॉर्टेंट एडिशनल बातें यूएनईपी के बारे में देखो, 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने मिलकर आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का निर्माण किया था। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी जीईएफ को इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक एजेंसी है यूएनईपी। और सबसे लास्ट में इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड, ये एक प्रोग्राम है कि गोल्ड माइनिंग ऑपरेशंस के लिए केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है किस प्रकार से उस प्रोग्राम में उस ऑपरेशंस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए, ये एक कोड डेवलप किया गया था। और किसके तत्वाधान में, यूएनईपी के तत्वाधान में। ये सारी एडिशनल इंपॉर्टेंट बातें हैं यूएनईपी के बारे में जिन पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।